नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मीणा समाज सेवा संगठन का दीपावली मिलन समारोह वैभव गार्डन कोलार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीणा, लीलेंद्र मारन, संतोष माया मीणा, मनोहर मीणा, तारचंद्र मीणा, वैभव मीणा और समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी व सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भव्य सुंदरकांड का आयोजन भी संपन्न। देखिए, अनादिकाल से दीपावली का त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाता है और आज यहाँ पे वैभव गार्डन में हमारे बीपी सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष दारा सिंह जी द्वारा यह आयोजन रखा गया है। मैं संगठन के और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह दीपावली के पूर्व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, संगठन को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संगठन में भी स्वच्छता बनी रहे और दिलों में भी स्वच्छता बनी रहे तो यह त्यौहार और भी खुशी से मनाया जाएगा। सर, आप इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम? युवाओं को हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। जो दीपावली पर और रामायण काल में या रामायण में जो भी चीज़ें तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि रामायण में बताई गई हैं उसके अनुसार चलेंगे तो उनका जीवन सफल होगा। सबसे पहले जय मीनेश, भगवान मीनेश की जय, मीना समाज की जय हो। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के बैनर तले तत्वाधान में आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय हम सभी के संत जी सर के ताज हम सबके आदरणीय भाई जगदीश सिंह जी मीना जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के महामंत्री परम आदरणीय स्वेत माननीय श्री संतोष सिंह जी मीना साहब एडवोकेट जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई ताराचंद जी मानन साहब और मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन तहसील के लेकर प्रदेश तक के सभी पदाधिकारी अधिकारियाँ मौजूद हैं और हम सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से दीपावली ये कार्यक्रम उपलक्ष्य को हम मना रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश सेवा संगठन के बैनर तले हम अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर, परंपराओं को लेकर और हम अपने समाज को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, बिना समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भारी लड़ाई है। हमारा मध्य प्रदेश में 28 जिले बाहुल हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी आज तक रही, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें बेहतर और प्रतिनिधित्व मिले। हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आज तक भोपाल से एक भी स्थानीय जमीनी किसी भी दल में हमारे कार्यकर्ताओं को, बिना समाज के स्वजाति बंधुओं को एक भी टिकट नहीं मिला। ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं, बहुत ही विडम्बना का विषय है। और हम इस उपरोक्त विषय को लेकर हमारे नेतृत्व प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि संविधान में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, प्रशासन में हर जगह हमारी समता समानता के साथ हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। उपरोक्त कई विषयों को लेकर हमारा मीना समाज अब जाग चुका है, हम सब एकत्र हो चुके हैं। आगे भी हम मीन सेना के माध्यम से हम अपने समाज को ऊपर लेके जाएंगे। हमारे हर एक घर से 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र के जो युवक और युवतियाँ हैं, उन सबको एकता के सूत्र में बांध कर संकट अपने संगठन के माध्यम से हम मीन सेना का निर्माण करेंगे सारे मध्य प्रदेश में और 28 जिलों में, हर गांव में, हर गली मोहल्लों में, हर शहर में, हर नगर, हर क्षेत्र में मीना समाज, मीन सेना का हम परचम लहराएंगे और हम सब एक साथ हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जय मीनेश, बोलिए मीना समाज की जय। जी सर, आज दीपावली मिलन समारोह मीना समाज सेवा संगठन का, मीना समाज सेवा संगठन भोपाल महानगर का दीपावली मिलन समारोह यहाँ पे वैभव मैरिज गार्डन नयापुरा कोलार पर रखा गया है, जिसमें सभी सामाजिक बंधु को निमंत्रित किया गया था और इसमें दीपावली मिलन के दीपावली की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई ऐसा कार्यक्रम है और जिसमें हमारे समाज के जो सम्मानित लोग हैं, किसी भी
क्षेत्र में जिनने नाम किया उनका सम्मान का भी एक कार्यक्रम है छोटा सा। इस प्रकार की हमारे विचारधारा है, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए सबका साथ सबका विकास इस ये सोच के साथ संगठन चल रहा है। हम चाहते हैं ये संगठन एकता बनी रहे, सब सामाजिक बंधु मिल जुल के आगे समाज ये कार्य करते रहें। यही इस वर्ष से मैं कामना करता हूँ दीपावली एवं ग्यारहवीं एवं भाई दूज एवं समस्त त्यौहारों की। समाज मीना समाज बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नाम बता दीजिए। ताराचंद मारन, जिला अध्यक्ष, भोपाल महानगर। रेडी सर, मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन पूरे प्रदेश में दीपावली मिलन का आयोजन कर रहा है। इसी तहसा में आज भोपाल जिला अध्यक्ष ताराचंद मारन के नेतृत्व में एवं मेरे कारण कोलार रोड पर दीपावली मिलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज यहाँ पर भव्य सुंदरकांड का संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन एक मंडली की तरफ से भी किया जा रहा है। ये मीना समाज की भजन मंडली उनके द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश के सदस्य बंधुओं को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, ग्यारस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरे प्रदेश पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे मध्य प्रदेश को सफल और संपन्न बनाए रखे और पूरा मीना बंधुओं को भी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और पूरे मीना बंधुओं को प्रसाद और स्वस्थ और मस्त रखे। यही कामना करता हूँ मैं भगवान मीना से और माँ लक्ष्मी से। हमारा कार्यक्रम दीपावली मिलन समारोह बड़े हर्ष और उल्लास से हमने रखा है। इसमें हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीना जी आए, जिला अध्यक्ष ताराचंद महारन जी, श्याम सिंह मीना जी, अर्जुन सिंह जी, बीपी महारन जी, तो बड़े मतलब सारे लोग मीना समाज के इसमें इकट्ठे हुए हैं। वो हर वर्ष जो भी हमारा कार्यक्रम आएगा ऐसे ही हम धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाते रहेंगे ताकि समाज की एकता बनी रहे और सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाते हैं और समाज में परिचय सम्मेलन भी होगा, अनेकों कार्यक्रम होगा, ऐसे ही हम धूमधाम से कार्यक्रम करते रहेंगे। जय मीना सर। आज दीपावली मिलन समारोह मीना समाज सेवा संगठन का आज श्री वैभव मैरिज गार्डन पे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री ताराचंद मीना जी के नेतृत्व में दिवाली मिलन समारोह मीना समाज सेवा संगठन में सभी मीना बंधुओं के साथ आमंत्रित कर हमने दिवाली मिलन समारोह मनाया, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठगण, हमारे सभी समाज बंधु उपस्थित हुए हैं और सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दीपावली एक दीपों का उत्सव है जिसे सभी को मिलकर मनाना चाहिए। इसी तरह हमने भी हमें हमारे मीना समाज बंधुओं के साथ इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया।